हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मेरे चैनल का नाम है वर्षा ब्यूटी केयर। दुआ करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ क्लब परफ्यूम का रिव्यू, जैसा कि आपने टाइटल में देख ही लिया होगा। तो चलिए देख लेते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और गाइज, मैंने अपने चैनल पे बहुत सारी स्किन केयर, हेयर केयर, डीआईवाई, फेशियल कैसे कर सकते हैं घर पर, बहुत सारी चीजें अपने चैनल पर शेयर की हुई है अलग अलग टॉपिक पर। तो प्लीज एक बार मेरे वीडियो की प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें, आई एम श्योर आपके लिए हेल्पफुल होगी। और हेल्पफुल लगे तो प्लीज लाइक शेयर करना ना भूले और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल बटन इसे प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपसे कोई भी मेरी न्यू वीडियो मिस ना हो। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं क्लब परफ्यूम का रिव्यू। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी पैकेजिंग की। आप देख सकते हैं ये खूबसूरत सी ब्लैक और ब्लू कलर की बॉटल में आता है और ये स्प्रे बॉटल की पैकेजिंग में है। ये देखिए, तो सभी चीजें इसके ऊपर मेंशन की हुई है, ये देखिए। और इसकी जो एमआरपी प्राइस है वो है 199 रुपीज, बट ये आपको डिस्काउंट में 109 रुपीज में मिल जाएगा, क्योंकि मुझे भी ये 109 रुपीज में मिला था, यानी कि सिर्फ 109 रुपए में मुझे मिल गया था ये ऑफर में, जो कि काफी अच्छा डिस्काउंट है। और ये काफी पॉकेट फ्रेंडली भी है, बजट फ्रेंडली भी है, ट्रैवल फ्रेंडली है, आप इजिली इसे अपने पर्स में भी कैरी कर सकते हैं। और अब इसकी बात कर लेते हैं लिड की। तो इसकी लिड भी काफी इजिली ओपन हो जाती है और बहुत ही अच्छे से बंद भी हो जाती है, तो आप इसे इजिली अपने पर्स में कैरी कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसे ओपन कर लेती हूँ। ये देखिए, इस तरीके से कुछ ये ओपन होती है। खुशबू तो मैं आपको नहीं दिखा सकती क्योंकि खुशबू दिखती नहीं है, लेकिन इसकी खुशबू बहुत ही अमेजिंग है गाइस, काफी रिफ्रेशिंग है, लॉन्ग टाइम तक ये बनी रहेगी। बट मैंने ये क्लब का परफ्यूम फर्स्ट टाइम परचेज किया, इससे पहले मैंने फोक का इस्तेमाल किया है और अभी मैंने फर्स्ट टाइम ये क्लब का यूज किया है, तो मुझे काफी अच्छा लगा। तो चलिए बात कर रहे थे कि हमें परफ्यूम को लगाना कैसे चाहिए, तो चलिए देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि पूरा दिन ये खुशबू आपके अंदर बनी रहे, यानी कि आपकी बॉडी में बनी रहे, तो आपको कैसे लगाना चाहिए परफ्यूम को, मैं आपको बताती हूँ। हमेशा परफ्यूम को कभी भी बिल्कुल नजदीक से हमें स्प्रे नहीं करना चाहिए, हमें बहुत ही आराम से लगाना चाहिए। बहुत अच्छी चीज है, भी आराम से लगानी चाहिए। तो सबसे पहले आपको यहां पर रेस्ट के पास अपना परफ्यूम जो है अप्लाई करना चाहिए, लाइक दिस, दैट्स इट। और इसकी खुशबू कोई बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि काफी लोगों को बहुत ज्यादा स्ट्रांग स्मेल पसंद नहीं होती है, बट आपको बहुत ज्यादा स्ट्रांग स्मेल पसंद नहीं है या बहुत ज्यादा लाइट भी अगर आपको पसंद नहीं है, तो ये काफी अच्छा परफ्यूम हो सकता है आपके लिए, आप इसे परचेज कर सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरीके से कान के पीछे थोड़ा सा, तो हमें इस तरीके से अपने बॉडी पार्ट्स पर इसे अप्लाई करना चाहिए। कपड़ों पर हमें परफ्यूम नहीं लगाना चाहिए, समटाइम्स उसके जो होते हैं वो दाग भी रह जाते हैं कपड़ों पर कुछ परफ्यूम्स के, तो हमें हमेशा रेस्ट के पास और ईयर के पीछे इस तरीके से हमें परफ्यूम को अप्लाई करना चाहिए। और आप अपने नीज एरिया पर भी लगा सकते हैं, और नीज एरिया का जो बैक साइड होती है, लाइक दिस, मैं आपको पिक में दिखा दूंगी, इस तरीके से आपको परफ्यूम लगाना चाहिए। इससे आपकी बॉडी में काफी देर तक परफ्यूम की खुशबू बनी रहेगी। और फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज और बता दूं, जब कभी भी आप पार्टी के लिए पूरा तैयार हो जाते हैं तब आपको परफ्यूम अप्लाई नहीं करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। हमेशा हमें पहले ही परफ्यूम लगा लेना चाहिए, क्योंकि इसके बाद अगर हमने कोई ज्वेलरी वगैरह पहनी होती है तो वो खराब होने का डर रहता है। काफी बार गलती से हम अपनी ज्वेलरी के ऊपर भी स्प्रे कर देते हैं, तो कोशिश कीजिए कि आप जब भी पार्टी वगैरह के लिए तैयार हो रहे हैं, किसी वेडिंग फंक्शन में जाना है अपने, तो आप सबसे पहले परफ्यूम लगाइए, उसके बाद ही आप अपना मेकअप वगैरह कीजिए और उसके बाद ही आप अपनी ज्वेलरी को वियर कीजिए। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का क्लब परफ्यूम का रिव्यू। आशा करती हूँ आपको पसंद आए होंगे मेरे टिप्स और मेरा ये रिव्यू। तो पसंद आए तो प्लीज गाइस मेरी वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी, और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं ये भी जरूर बताइएगा। और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पे, और हाँ, आप मुझे टिकटॉक पर भी फॉलो कर सकते हैं, मैं टिकटॉक पर भी एक्टिव हूँ गाइस। और गाइस, मैंने अपने चैनल पे बहुत सारी स्किन केयर, हेयर केयर, डीआईवाई, फेशियल कैसे कर सकते हैं घर पर, बहुत सारी चीजें अपने चैनल पर शेयर की हुई है अलग अलग टॉपिक पर। तो प्लीज एक बार मेरे वीडियो की प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें, आई एम श्योर आपके लिए हेल्पफुल होगी। और हेल्पफुल लगे तो प्लीज लाइक शेयर करना ना भूले और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल बटन इसे प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपसे कोई भी मेरी न्यू वीडियो मिस ना हो। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।